अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तो मैं फर्स्ट उठी हूँ एंड उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया है। तो अभी जा रही हूँ चाय चढ़ा देती हूँ। उसके पहले हम दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कभी स्किप नहीं करना चाहिए वो हम कर लेते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे जाता है दिन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा लिया है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बादाम। तो अभी हम 4-5 बादाम खा लेते हैं एंड 3-4 मिजान के लिए रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो बर्फ़ लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे पहला वो आपको फ्रेशन अप कर देता है एंड उसके बाद अगर पफिनेस है तो उसे दूर कर देता है। और लगाने के बाद स्किन टाइट रहती है, तो रोज़ लगाया करें, सुबह उठे रोज़ लगाओ। बर्फ़ तो सबके घर में होता है, तो लगाओ एंड देखो रिजल्ट्स आपको भी दिखते हैं। कंटिन्यू रखो, बस उसको स्किप मत करो। जैसे चाय ज़रूरी है वैसे बर्फ़ भी ज़रूरी है। स्किन बहुत अच्छी रहती है आपकी, इसके बाद ज़्यादा नहीं लगाना है, एक ही लगाना है। निजान जो उठो, चलो निजान उठो, बाबू उठो, स्कूल जाना है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, स्क्रैम्बल एग एंड मेरी फेवरेट चाय जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मिजान को स्कूल छोड़ने एंड मिजान सो हैप्पी। मिजान को आज टिफिन में उसका फेवरेट ओरियो दी हूँ, इसलिए वो आज बहुत खुश है। तो आज खुशी खुशी जाते हैं, है ना मिजू? हाँ। कहाँ जा रहा है मिजू? वेर यू आर गोइंग? हाय मिजू। हाय। आज टिफिन में क्या है? बंद करो, बंद करो मिजू। आज टिफिन में क्या है इधर देखो, क्या है आज टिफिन में? ओरियो। ओरियो है? हाँ। तुमको पसंद है? पानी है। पानी भी है? हाँ। ओके, प्ले करना। ओके। हाँ। और टीचर को क्या बोलोगे? मेरे को स्टार्स दो। हाँ। कितने? वन स्टार। वन स्टार। ओके। तो यहाँ पे मैं आयन कर रही हूँ। अभी हम लोग को डीमार्ट जाना है इवनिंग में, तो मिजान को पहले लेके आते हैं प्ले ग्रुप से एंड देन उसको खाना वगैरह खिला के फिर हम लोग निकलेंगे डीमार्ट के लिए। रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए हम डीमार्ट जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है डीमार्ट से। क्या क्या खाया आपने? ओरियो खाया। ओरियो? हाँ। ओके, और टीचर ने क्या दिया आपको, दिखाओ क्या दिए टीचर ने? स्टार्स थी। वाओ नाइस, मस्ती की आज? आज मस्ती किए, प्ले किए, मजा आया।
अभी लंच का समय हो गया है, यहाँ पे मैंने बनाया था पालक चिकन और रोटी, एंड अभी लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद मीज़ान थोड़ा प्ले करेगा घर पे एंड देन उसके बाद हम जाते हैं डी मार्ट और देखते हैं डी मार्ट से मैंने क्या क्या लिया है वो। तो फाइनली हम आ गए थे डी मार्ट से एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली एज़ यूजुअल, पूरा पॉकेट खाली हो जाता है डी मार्ट गए तो इसलिए जाने ही नहीं चाहिए, पर रमज़ान था तो फिर एक ही बार सामान स्टॉक किया मैंने। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी एंड वेज हक्का नूडल्स, मैगी लाइक लाइफ सेवर है, कभी कुछ नहीं बना तो मैगी बना के खा लेते हैं हम दोनों ही हैं। तो यहाँ पर मैंने गार्बेज बैग्स ले लिए एंड बाकी जो भी घर के लिए नॉर्मल जो सामान होता है वही लिया है, राशन जो होता है, तो कुछ अलग चीज़ें नहीं लिए, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि रमज़ान के लिए मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने शेज़वान चटनी, बेसन और ये मैंने इडली एंड डोसा का बैटर लिया था। यहाँ पे एक किचन क्लॉथ, तो वैसे मतलब छोटे मोटे सामान ही लिए हैं लाइक मैदा, राइस फ्लावर, तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सारे दाल लिए हैं एक ही बार रिस्टॉक करके, तो फिर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यहाँ से डी मार्ट थोड़ा दूर है तो यहाँ पे ड्राई ईस्ट है एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। तो मैंने टैमरिन लिया है, इमली लिया, इमली की चटनी बना के रखेंगे, मीज़ान को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, जैसे कि उसका कुछ सामान था नहीं अंदर पर उसे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं कैमरा चालू रख के कुछ शूट करती हूँ तो उसको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इमली लिया है एंड देन सांभर मसाला एवरेस्ट का, मुझे पानीपुरी का मसाला चाहिए था जो कि वहाँ पे नहीं था एंड मोस्टली सामान वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी, इतने लोग थे रमज़ान के सामान लेने के लिए आए थे तो बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे मैंने सारे वाइट वटाना फॉर रगड़ा एंड चना बटाटे के लिए चने ले लिए थे, तो इससे ही ज़्यादा मैंने रिस्टॉक किया क्योंकि रमज़ान में तो लगता ही है रगड़ा चना बटाटा चाट्स ये सब काम आता है और जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने राइस आटा लिया है, बाकी मोस्टली खाने पीने की चीज़ें ही है जो किचन में काम आती है। सोसाइटी चाय तो सबसे ज़्यादा बनती है रमज़ान में एंड चाय तो चाहिए ही सुबह में और शाम में दोनों टाइम। तो यहाँ पे मैंने मैगी का अच्छा स्टॉक भर के रख दिया ताकि कभी कुछ ना बनाओ या कुछ रहेगा तो मैगी बना के खा सकते हैं। एंड यहाँ पे मीज़ान और मेरी फेवरेट बिस्किट जो कि है विटा मैरी गोल्ड एंड यही हम बिस्किट खाते हैं और मीज़ान ओरियो खाता है ज़्यादा, एंड ये मैंने उसके लिए लिया है, ट्राई करना है मुझे कि दूध तो वैसा पीता नहीं है तो इसमें कुछ अलग सा उसको अगर अच्छा लगे तो वो उसमें तो भी स्टार्ट करेगा पीने के लिए। फ्रेश क्रीम भी मैंने अच्छे से स्टॉक कर लिया है, 3 से 4 लिया था मैंने बिकॉज़ फ्रेश क्रीम बहुत यूज़ होएगा सहरी के लिए अगर कुछ चिकन की ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने चना जो है वो स्मॉल वाले, बिग वाले, ग्रीन वाले सब मैंने अच्छे से रिस्टॉक कर लिया। बिल देखिए कितना लंबा बिल दिख रहा था, जितना लंबा बिल उतना ज़्यादा दिल धक धक करता है। तो अभी यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, ये लास्ट पेमेंट के टाइम पे मुझे ये मिला बिकॉज़ ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये था ही नहीं वहाँ पर अवेलेबल एंड बहुत सारी चीज़ें थे जो आउट ऑफ स्टॉक था जैसे कि समोसा पट्टी एंड बटर, तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थे बट जब इवनिंग हो गया था रात होने आई थी तब भी वो लोग ने स्टॉक कर लिया एंड देन उसके बाद हमने लिया। तो वहाँ पे मैंने छोले भी लिए हैं एंड ये ग्लास जार लिया था इमली की चटनी के लिए एंड यहाँ पे मैंने मिल्क मेड लिया है, कभी डेजर्ट बनाने के लिए काम आ जाता है। तो अभी यहाँ पे मस्का है एंड सोया सॉस वगैरह भी नहीं वहाँ पे था, आउट ऑफ स्टॉक था, लाइक रेड चिल्ली था सिर्फ एंड ग्रीन चिल्ली, तो सोया सॉस का ऐसा पैकेट था तो मैंने वैसे ही ले लिया। यहाँ पे मैंने मकई का आटा लिया है, सब्जा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में सब्जा, एंड यहाँ पे चीज़
ब्लॉक चीज़ लिया है, तो क्यूब्स वाले कैसे है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये ब्लॉक चीज़ ज़रा रहते हैं। एंड देन समोसा पट्टी एंड दही ले लिया था, एंड देन हो गया, इतना ही सामान मैंने रमज़ान के लिए लिया। एंड ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ पे मुझे कोलैब के लिए मेहंदी लगाने के लिए आई थी अलीज़ा। कितनी प्यारी मेहंदी उसने लगाई और इतनी फास्ट, इतनी अच्छी फिनिशिंग, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको भी मेहंदी लगवाना हो ईद में तो मैं उसका इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए। रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हाई रेट्स नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा है उसका मेहंदी। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में हमें ज़रूर याद रखना। एंड अगेन रमज़ान मुबारक।